घाटी मनाली और लारजी के बीच ब्यास नदी द्वारा बनाई गई एक विस्तृत खुली घाटी है। यह घाटी अपने मंदिरों और देवदार के जंगल और सेब के विशाल बागों से ढकी पहाड़ियों के लिए जानी जाती है। ब्यास कुंड से निकलने वाली ब्यास नदी का प्रवाह देवदार के जंगलों से आच्छादित शानदार निचली चट्टानी लकीरों पर देवदार के पेड़ों के ऊपर स्थित है, जो इस शानदार शहर का सबसे अधिक लाभ उठाता है। कुल्लू घाटी उत्तरी भारत में स्थित पीर पंजाल, लोअर हिमालयन और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच स्थित है। हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के लिए समान रूप से कई तीर्थ स्थलों के कारण कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी या देवभूमि के रूप में जाना जाता है। कुल्लू अपनी खुली घाटी, घास के मैदानों और हिमालय पर्वत श्रृंखला के सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। कुल्लू क्षेत्र कुल्लू शॉल के लिए भी जाना जाता है, जो पश्मीना, भेड़ ऊन और अंगोरा सहित कई प्राकृतिक रेशों से बना है। कुल्लू दशहरा का 7 दिवसीय उत्सव, जो एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, अवतार भगवान राम की दुष्ट राजा रावण पर विजय का उत्सव है। त्योहार हिंदू कैलेंडर के आधार पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में होता है। कुल्लू शहर की औसत ऊंचाई 1278 मीटर यानी 4193 फीट है। कुल्लू के पूर्व में बिजली महादेव के ग्राम मंदिरों वाला एक विस्तृत पहाड़ी पर्वतमाला है, माउंटी नाग और पुएद। रिज से परे मणिकरण घाटी पार्वती नदी के किनारे स्थित है, जो भूंतर में संगम में ब्यास से मिलती है। कुल्लू के दक्षिण में भूंतर और मंडी शहर स्थित है। ऐतिहासिक रूप से कुल्लू शिमला से सिराज घाटी या पश्चिम में जोगिंदर नगर और कांगड़ा की ओर जाने वाले दर्रों के माध्यम से पहुंचा जा सकता था। उत्तर में मनाली शहर है, जो रोहतांग दर्रे से होते हुए लाहौल और स्पीति घाटी की ओर जाता है। घाटी में विविध जैव विविधता है। इसमें हिमालयी भूरा भालू और हिम तेंदुआ जैसे कुछ दुर्लभ जानवर हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP भी यहाँ स्थित है। पार्क 1984 में बनाया गया था। बिजली महादेव मंदिर, यह समुद्र तल से 2435 मीटर की दूरी पर स्थित है और कुल्लू से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यह कुल्लू के आसपास का सबसे ऊंचा स्थान है, जहां से पूरे शहर के नजारे दिखाई देते हैं। शोजा 2692 मीटर पर यह कुल्लू क्षेत्र के संपूर्ण चित्रमाला के लिए एक सुविधाजनक स्थान है। बर्फ की चोटियां और घाटियां, घास के मैदान और जंगल, नदियां और धाराएं, यह देखने के लिए एक असाधारण जगह है, लेकिन परिवहन का कोई साधन नहीं है, इसीलिए आपको पैदल ही जाना होगा। हिमालयन नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, जो 700 किलोमीटर यानी 430 मील में फैला है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति क्षेत्र के बीच स्थित है। पार्क विभिन्न स्तनधारियों, पक्षियों और कीड़ों का घर है। पार्क अब भारत में 7वें यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। रघुनाथ मंदिर, 17वीं शताब्दी में कुल्लू के राजा जगत सिंह ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने एक वरिष्ठ दरबारी को भगवान रघुनाथ
यानी भगवान राम की मूर्ति के लिए अयोध्या भेजा। इस मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने मूर्ति रखने के लिए करवाया था और आज भी ये बहुत पूजनीय है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मेला दशहरा भगवान रघुनाथ के सम्मान में स्थानीय देवताओं के साथ मनाया जाता है। श्रृंगी ऋषि मंदिर कुल्लू से लगभग 60 किलोमीटर दूर बंजार घाटी है, जिसमें श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है। श्रृंगी ऋषि बंजार घाटी के अधिपति देवता हैं। वास्तव में अयोध्या पुरी से कुल्लू घाटी में भगवान राम के आगमन से पहले भगवान श्रृंगी कुल्लू के शासक देवता थे। श्रृंगी ऋषि कुल्लू घाटी के अथरा कारडु यानी 18 प्रमुख देवताओं में से एक है। कुल्लू घाटी के बारे में ऐतिहासिक संदर्भ रामायण, महाभारत और पुराणों की प्राचीन हिंदू साहित्यिक कृतियों से मिलते हैं। वैदिक काल के दौरान जनपद के नाम से जाने जाने वाले कई छोटे गणराज्य अस्तित्व में थे, जिन्हें बाद में नंद साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पाल राजवंश और करकोट साम्राज्य ने जीत लिया था। राजा हर्षवर्धन द्वारा वर्चस्व की एक संक्षिप्त अवधि के बाद इस क्षेत्र को एक बार फिर से कई स्थानीय शक्तियों में विभाजित किया गया था, जिनमें कुछ राजपूत भी शामिल थे। इन रियासतों को बाद में मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया था। कुल्लू नाम कुलंत पीठ शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है रहने योग्य दुनिया का अंत। किंवदंतियों के अनुसार महान बाढ़ के दौरान मनु ने इस घाटी का दौरा किया था, लेकिन रोहतांग दर्रे को पार करने में असमर्थ थे। उन्होंने अंतिम बस्ती का नाम कुलंत पीठ रखा और उस स्थान पर बसने और ध्यान करने का फैसला किया, जो अब मनाली का शहर बन गया है। कुल्लू दशहरा। राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कुल्लू दशहरा को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया है। लगभग 200 स्थानीय देवता भगवान रघुनाथ को श्रद्धांजलि देने आते हैं। यह एक ऐसा समय है जब घाटी अपने सबसे अच्छे रंग में है। कुल्लू होली। होली कुल्लू में 2 दिनों तक मनाया जाने वाला रंगों का त्यौहार है। इसकी अनूठी विशेषता ये है कि शहर के लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं और फिर वे पवित्र होली गीत गाते हुए शहर के लोगों के घरों में जाते हैं और बदले में उन्हें मिठाई, पकौड़े आदि दिए जाते हैं। महिलाएं भी पुरुषों के समान उत्साह और खुशी के साथ त्योहार में भाग लेती हैं। वायु द्वारा निकटतम हवाई अड्डा भुंतर शहर में है, जो कुल्लू शहर से लगभग 10 किलोमीटर है। हवाई अड्डे को कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है और इसका रनवे 1 किलोमीटर से अधिक लंबा है। इंडियन एयरलाइंस और कुछ निजी एयरलाइनों की हवाई अड्डे के लिए नियमित उड़ानें हैं। सड़क द्वारा कुल्लू दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 से चंडीगढ़ तक और वहां से राष्ट्रीय राजमार्ग NH21 द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो बिलासपुर, सुंदरनगर और मंडी शहरों से होकर गुजरता है। रेलवे। कुल्लू में अब तक कोई रेल ट्रैक नहीं है, लेकिन सरकार ने रेलवे निर्माण के लिए जमीन का सर्वे किया है, हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है। फॉर मोर एंटरटेनमेंट प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द रूट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।